साथियों, देश में किसान आंदोलन ने पूरी आबो हवा को बदल दिया है। न इधर उधर की बात कर यह बता कि काफिला क्यों लुटा है, यह सवाल इतना जबरदस्त तरीके से रहबरों से पूछा जा रहा है कि रहबरों को जवाब देना ही पड़ेगा। रहबर लोकतंत्र के अंदर इतनी जबरदस्त चीज होती है, जो नेता हैं हमारे, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, उनसे जनता और जन सामान्य ये सवाल पूछ रहा है कि ये स्थितियाँ क्यों आई। मैं इस पर कुछ बातें जो मेरे दिमाग में आई वो बताना चाहता हूँ। आज़ादी के बाद सरे राह चलते चलते हम इतने भटक गए कि हम अपनी मंजिल को भी भूल गए, और उसी का परिणाम हुआ कि आज हम संविदा खेती की तक पहुँच गए और सहकारी खेती को भूल गए, संयुक्त परिवार को भूल गए, आदमियों की जनता की एकता को भूल गए। आप देखिए कि अभी मौजूदा समस्याओं का जो समाधान ढूंढ रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में बहुत पहले ये एक प्रस्ताव आया था सहकारिता खेती का, और सहकारी खेती के कानून भी बने, लेकिन वो कानून किताबों में छपे रहे और उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम कहीं भी सहकारी समिति, सहकारी खेती सामने नहीं आई, कोई मॉडल हमारे सामने नहीं आया। ये बात मैं इस आधार पर कह रहा हूँ कि जब सहकारी खेती का प्रोविजन आया तो उसके साथ जो जुड़ी हुई थी क्रय विक्रय सहकारी समिति, मार्केटिंग कमेटियां और इस प्रकार की व्यवस्था थी कि किसान की अपनी पूंजी खड़ी हो जाती और किसान एक स्वतंत्र रूप से एक बड़ी सशक्त इकाई होती। लेकिन सहकारी आंदोलन के ऊपर नौकरशाही का जो कब्जा रहा, नौकरशाही ने धीरे धीरे करके पूरे सहकारी मूवमेंट को खत्म कर दिया। आज कहने को किताबों में, कानून में और व्यवहार में भी सहकारिता की बात होती है। साल में एक बार सहकारिता का दिवस बनाया जाता है और सहकारी विभाग बड़ी सक्रियता के साथ काम भी करता है। लेकिन कहीं भी किसी भी गांव में ग्राम सेवा सहकारी समिति या जो ग्राम सेवा सहकारी समिति के साथ क्रय विक्रय सहकारी समिति जुड़ी होती है उसका काम दिखाई नहीं देता। उसका काम यह था कि वो किसानों के होने वाली उपज की व्यवस्था करे, उनके लिए बीज की व्यवस्था करे, उनके लिए खाद की व्यवस्था करे, और खाद और बीज से जो फसल उत्पादित हो उस उत्पादित फसल को उचित मूल्य पर बेचने की व्यवस्था करे, उचित मूल्य पर बेचने के लिए भंडारण की व्यवस्था भी ये क्रय विक्रय सहकारी समिति करे। इन सहकारी समितियों का ढांचा क्या हो, सहकारी समितियों के ढांचे के अंदर किसान खुद मुख्तियार होता है और किसान उसका सदस्य होता है और उसका चुनाव होता है और किसान के हाथ में एक ताकत होती है, फैसला लेने की ताकत। लेकिन किसान के नाम पर भी हमारे देश में एक माफिया गुट खड़ा हो गया और उस माफिया गुट ने पूरे सहकारी आंदोलन को की भ्रूण हत्या कर दी। जो सहकारी शक्ति हमारी बननी चाहिए थी वह नहीं बनी। देश की जनता को और किसानों को भी ये सोचना चाहिए, क्या हमें सहकार पसंद नहीं है, क्या हम मिलजुल कर चलना पसंद नहीं करते। अगर हम सहकारी खेती की तरफ जाते हैं तो हम संविदा खेती से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन संविदा खेती की जरूरत किसको है। जिस कारपोरेट की तरफ आज हमारा किसान इशारा करके कह रहा है कि वो कारपोरेट हमें लूट लेगा, वो कारपोरेट हमारा गला दबा देगा, वो कारपोरेट हमारे माल को खरीद लेगा, और जो शहरों में बैठे हुए मध्यम श्रेणी के लोग हैं वे भी आतंकित हैं, क्योंकि अगर ये कारपोरेट हमारे जो नए कानून हैं तीनों के कृषि कानून, इन कानूनों के तहत कारपोरेट बड़ा भंडारण करेगा और बाद में महंगे भावों पर जो सामान बेचेगा उससे शहर का ऐसा मध्यम वर्ग भी प्रभावित होगा जो अभी ये सोचता है कि किसानों से संबंधित ही कानून है। ऐसी बात नहीं। इस समस्या का समाधान जब भी कभी होगा उस समाधान के अंदर हमें सहकारिता के पास जाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ ये कहूँ कि आप चीन से सीखें, अगर मैं ये कहूँ कि आप यूरोप से सीखें तो ये बात बड़ी विचित्र लगेगी, लेकिन मैं कहता हूँ कि हमें किसी के नकल करने की जरूरत नहीं है। अगर हम अमेरिकन कृषि मॉडल के नकल करेंगे तो हमारे देश में निश्चित तौर पर फेल हो जाएगा। अगर हम किसी दूसरे मॉडल के नकल करेंगे तो हम निश्चित तौर पर पिटेंगे। कॉपी पेस्टिंग से काम नहीं चलने वाला, हमें हमारे अपने ही देश के अंदर एक मॉडल डेवलप करना पड़ेगा, और वह मॉडल हो सकता है गांधी जी से हमें प्राप्त हो। गांधी जी ने जो आर्थिक तंत्र की बात की थी उस बात के अंदर बड़ा दम है। अगर आज उस बात पर कोई चिंतन करे, मनन करे, तो हम क्या ग्राम स्वराज्य की अवधारणा से दूर हट गए, क्या हमें ग्राम राज नहीं चाहिए, ये सोचना पड़ेगा। क्योंकि ग्राम पंचायत और ग्राम राज में बड़ा अंतर है। ग्राम पंचायत तो आज उसी की एजेंट बन गई जो बाद में जाके कारपोरेट के बराबर जाके खड़ी हो जाएगी, या गांव के अंदर कारपोरेट की एजेंसी लेगी या कारपोरेट के लिए काम करेगी, उसके लिए आबो हवा बनाएगी। लेकिन ग्राम राज में
एक ऐसी व्यवस्था थी, विनोबा भावे ने हमारे यहाँ भूदान का आंदोलन चलाया और भूदान के आंदोलन में ऐसी व्यवस्था की गई थी कि गांव की समिति गांव की व्यवस्था करेगी और गांव की सारी शिक्षा का, स्वास्थ्य का सब संचालन गांव की समिति के हाथ में रहेगा। लेकिन भूदान में बहुत जमीन मिली, ग्राम राज्य स्थापना की बात भी होने लगी और एक ऐसी स्थिति भी आई थी कि राजस्थान के अंदर बीकानेर जिला एक मात्र ऐसा जिला था जो जिला दान तक पहुंचा। लेकिन जिला दान होने के बावजूद आज की स्थिति यह है कि ग्राम दान एक्ट ही समाप्त कर दिया गया और ग्राम दान एक्ट को समाप्त करके ग्राम स्वराज्य की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया और ग्राम राज में जो ये व्यवस्था थी कि सभी भूमि गोपाल की, कोई भी जमीन का मालिक नहीं होगा लेकिन ग्राम सभा जमीन की मालिक होगी, सब लोग मिलजुल के खेती करेंगे और उस उत्पादन के जो परिणाम आएंगे वो गांव के सुख और गांव के व्यवस्था के लिए, गांव की शिक्षा दीक्षा के लिए, गांव के विकास में काम आएगा। उसके बाद जो सरप्लस बचेगा वो शहरों में या और किसी कामों में आएगा। इसलिए आज जरूरी है, ये किसान आंदोलन जब सवाल पे सवाल खड़ा कर रहा है तो हमारे सामने कठोर सवाल है कि यह बता कि काफिला क्यों लूटा, और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें गांधी के पास जाना पड़ेगा और गांधी के पास जाके ग्राम राज्य तक हमें इस बात को सोचना पड़ेगा। अगर हम वास्तव में ग्राम राज की स्थापना करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये समस्या का समाधान होगा, और नहीं तो ये एक से एक बढ़ करके इतनी विकराल समस्या पैदा हो जाएगी कि गांव के लोग ही नहीं, शहरों के भी भूखे लोग और गांव के उजड़े हुए लोग एक ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे कि अराजकता की स्थिति हो जाएगी। हमारी सरकारों के पास इसका समाधान है या नहीं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन वर्तमान में सरकारें जिस तरीके से सोचती हैं, जिस तरीके से समाधान कर रही हैं, उससे समस्याएं बढ़ने वाली हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम चिंतन करें कि हमारे खुद के देश का एक मॉडल डेवलप करें, उस मॉडल के ऊपर हम गांव और खेती को विकसित करें। धन्यवाद मित्रों।